इनको एक मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी। तो रोहित अग्रवाल क्या पूरी तरह से एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश इस हिंसा को की जा रही है? देखिए, जो समस्या है वो समस्या ये है कि भाई अभी उपचुनाव हुआ है और उसमें संभल की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है, पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। इनके कैंडिडेट पाए हैं 18,000 वोट पूरी, और जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो पाए हैं 1,18,000 वोट। तो जब इतनी बुरी तरीके से जब हार होती है तो इनको तो लग रहा है कि अब तो मुसलमान भी हमको वोट नहीं करता, तो मुसलमान भी एनडीए की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको ये हिंसा करवानी थी, इनको कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद करवाना था, ताकि ये उस वोट को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। ये हमेशा कह देते हैं कि साहब लोकतंत्र की लूट हो गई, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। अरे भाई, कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट को शक्ति मिली है इसी संविधान से, वो कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित हुआ, उस आदेश को इम्प्लीमेंटेशन कराना ये गवर्नमेंट का काम है, या अगर वहां पे प्रशासन का काम है, वो प्रशासन वहां पे इम्प्लीमेंट करवा रहा है, तो भीड़ तंत्र से थोड़ी ना देश चलेगा। क्या 500 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ले आइए और वहां पे पत्थर फिकवाना शुरू कर दीजिए, भीड़ तंत्र से समाज चलेगा क्या? भाई लोकतंत्र से चलेगा ना, जिस लोकतंत्र की लाल किताब को लेके आप गली गली घूम रहे हो और चुनाव के अंदर वोट मांगने का काम कर रहे हो, झूठ फैलाने का काम कर रहे हो कि संविधान खत्म हो जाएगा, खतरे में है, उसकी तो धज्जियां आप उड़ाने का काम कर रहे हो, आप उसकी धज्जियां उड़ाना चाहते हो। देखिए, देश के अंदर प्रशासन विफल रहा ना स्थिति को काबू करने में, अगर प्रशासन की तरफ से तमाम उचित सुविधाएं वहां पर, तमाम व्यवस्थाएं होती तो शायद ये तस्वीर नहीं होती। 50,000 की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही है, क्या इसकी जानकारी क्या प्रशासन को नहीं थी? नहीं पूजा जी, बिल्कुल नहीं थी। देखिए, एक बात समझिए, 19 तारीख को वहां पे जो सर्वे हुआ था, ये झूठ फैलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है कि वो सर्वे पूरा हो गया था, जबकि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पे ये कह रहे हैं कि शाम को ऑर्डर कोर्ट का आता है, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उसी दिन शाम को सर्वे के लिए टीम पहुंच जा रही है? नहीं नहीं, ठीक है, तो वो सर्वे पूरा नहीं हुआ ना 19 तारीख को, और दोबारा टीम 24 तारीख को पहुंची, तब तो आपके पास 5 दिन का समय था। आप कौन सी कोर्ट में गए, आप कौन सी उच्च कोर्ट में गए, आप हमें इसका जवाब दे दीजिए कि 5 दिन का आपके पास समय था 24 तारीख और 19 तारीख के बीच में, आप किसी कोर्ट में जाके आपने कोई चिट्ठी पत्री की? परंतु आप 50,000 आदमी को बटोर के वहां पे आपने 7,000 पत्थर पाए गए हैं, वहां पे 7,000 पत्थर आप पुलिस के ऊपर चलाने का काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पे क्या नाम है, तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की है या फिर ये जिम्मेदारी राज्य सरकार और प्रशासन की है? इनके सांसद सर्वे टीम के अंदर जबरदस्ती क्यों घुसे 19 तारीख को? वो तो कह रहे हैं वो थे ही नहीं उस दिन, वो तो ये कह रहे हैं कि वो थे ही नहीं। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं, इनके सांसद वहां पे थे 19 तारीख को, उनके सांसद 24 तारीख को नहीं थे, 19 तारीख को इनके सांसद वहां पे थे। इन्होंने जनता को भड़काने का काम किया, इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया, इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया कि यहाँ पे खुदाई चल रही है, और इन्होंने निरंतर अफवाहें फैलाने का काम किया। इनके सांसद, इनके विधायक उसके अंदर पूरी तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। उनको डर है अब कि अब तो मुसलमान समाज भी हमारे साथ नहीं रहा, अब तो मुसलमान समाज भी एनडीए के साथ चला गया है। जब से राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छामा है, तो प्रियंका गुप्ता यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही यहाँ पर सभी सेक रहे हैं। अगर